Hello。

इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट वाला चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में हमने देखा था इंटरनेट क्या होता है वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है सो इंटरनेट पर बेस्ड टर्मिनोलॉजीज जैसे कि इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं समझ चुके हैं बेसिकली कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है दोनों सिमिलर थिंग्स नहीं है एग्जाम में यदि आएगा किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो अब आप लिखकर आ सकते हो वीडियो नहीं देखिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दोनों वीडियो को आप देख सकते हो क्योंकि आज का जो टॉपिक है दैट इज वेब ब्राउजर कही कहीं ना कहीं लिंक्ड है उन्हीं टॉपिक से फाइन सो प्रीवियस टॉपिक्स यदि आपने देखे हैं इस चैप्टर के तो आप वेब ब्राउजर को बहुत इजी वे में सारे टॉपिक्स के साथ कनेक्ट कर पाओगे क्योंकि जितनी भी इंटरनेट टर्मिन टर्मिनोलॉजिस्ट जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ ये सभी आपस में इंटरलिंक्ड है रिलेटेड है हर एक चीज आपस में लिंक्ड है अब जैसे वेब ब्राउजर की ही बात करें हम तो वेब

हमने देखा यहाँ पर कि एक क्लाइंट सिस्टम होता है दूसरा सर्वर सिस्टम होता है सर्वर पर सारे वेब पेजेस वेबसाइट्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं सारी इंफॉर्मेशन आपके सर्वर पर स्टोर होती है अब सर्वर से जब आपको किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है आपको मैग्निक्रींस डॉट कॉम वेबसाइट को एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करोगे आपको यूट्यूब को एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करोगे आपको इसके लिए किसकी जरूरत पड़नी है बेसिकली जब आपको वेब पेजेस को एक्सेस करना है किसे एक्सेस करना है वेब पेजेस को सो so, इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक सॉफ्टवेयर की बिना उस सॉफ्टवेयर के क्या आप वेब पेजेस को एक्सेस कर पाओगे नहीं अब वो सॉफ्टवेयर ही क्या हो गया आपका वेब ब्राउजर है ना अब कौन कौन से वेब ब्राउजर होते हैं सो so, वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से हम किसे एक्सेस करते हैं जिसकी मदद से हम एक्सेस करते हैं वेब पेजेस को किन एक्सेस करते हैं वेब पेजेस को वेबसाइट्स को जो कहा स्टोर होते हैं जो आपके स्टोर होते हैं सर्वर सिस्टम पे तो so, सर्वर सिस्टम पे जो वेब डॉक्यूमेंट्स वेब पेजेस वेबसाइट्स होती है यदि उन्हें आपको एक्सेस करना है तो आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है और उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है वेब ब्राउजर ओके, okay? so, कौन कौन से वेब ब्राउजर हो गए सभी के पिक्चर्स आपको यहां दिख रहे हैं सभी के होप, अच्छे से समझ भी आ गए होंगे, so, वेब सबसे line, सबसे में भी पूछी जाती है कि डैश इज सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू व्यू वेबसाइट वेबसाइट को देखने के लिए वेबसाइट को विजिट करने के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं बेसिकली वही सॉफ्टवेयर आपका वेब ब्राउजर होता है इट इज एन इंटरफेस देखो सर्विसेज okay? अवेलेबल होती है बट उनको हम यूज कैसे करें उनको यूज करने के लिए उनको एक्सेस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ मीडियम तो चाहिए एक इंटरफेस तो चाहिए एक सॉफ्टवेयर तो चाहिए तो बस वही सॉफ्टवेयर आपका वेब ब्राउजर होता है वेब so सर्वर पर वर्ल्ड वाइड वेब पर जितनी भी इंफॉर्मेशन जो भी सर्विसेज अवेलेबल है जो भी वेब पेजेस हैं, हैं, वेबसाइट्स उन्हें एक्सेस करना है तो उसके लिए यूजर और वर्ल्ड वाइड वेब के बीच में ओके okay? सो so इसको आप इस तरीके से भी बता सकते हो कि वर्ल्ड वाइड वेब और यूजर इनके बीच में जो एक सॉफ्टवेयर वर्क करता है एक इंटरफेस की तरह सॉफ्टवेयर एक यूज किया जाता है वो आपका होता है क्या वेब ब्राउजर फाइन अच्छे से क्लियर दोनों अब ये भी आपसे एम सी क्यू फिलअप में पूछ सकते हैं कैसे भी पूछा जा सकता है ये दोनों लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाउ अब वेब ब्राउजर कैन हैव अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑब्वियस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रीवियस टू प्रीवियस चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम से मैं पढ़ाती आ रही हूं कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ एनी सॉफ्टवेयर अब जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हमने क्या देखा था कि आपकी विंडोज और जो भी लिनक्स वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम हमने डिस्कस करे ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं ये आप कैसे पहचान रहे हो ये मोजिला का वेब ब्राउजर है ये गूगल का वेब ब्राउजर है इनके पिक्चर को देखकर ना इनके ग्राफिक्स को इनके इमेजेस को देखकर आपको आइडेंटिफाई हो रहा है दिस इज ओपेरा ब्राउजर है ओके दिस इज एज और इंटरनेट एक्सप्लोरर ओके सफारी वेब ब्राउजर सो ये हमें कैसे पता चल रहे ये हमें पता चल रहे हैं क्योंकि हम इनकी इमेजेस इनके पिक्चर्स को देख रहे हैं इनके छोटे छोटे ग्राफिक्स को देख रहे हैं सो so, ये जो भी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है सो वेब ब्राउजर भी क्या है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है जैसे ही आप इस पर्टिकुलर आइकन आइकन डबल क्लिक करते हो मोजिला फायरफॉक्स या गूगल वाले पे तो आपको क्या दिखता है इस तरीके से आपको एक सर्च uh, बार दिख जाती है तो ये भी एक ग्राफिकल व्यू हुआ ना जहाँ पे आपको पता है कि हाँ भैया इस डब्बे में आपको कुछ भी लिखना है टेक्स्ट और इस पर्टिकुलर आइकन पे ये जो इस तरीके का आइकन बना है इस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो सर्च है वो मिल जानी है आपको तो ये क्या हुआ एक इमेज के फॉर्मेट में ग्राफिकल व्यू हुआ राइट तो वेब ब्राउजर हमें क्या प्रोवाइड करता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें एग्जाम्पल हमने अभी देख लिया इंटरनेट एक्सप्लोर मोजिला फायरफॉक्स गूगल क्रोम ओपेरा कैन बी टेक्स बेस्ड एग्जाम्पल लाइनेक्स ओके, okay? so, पर ये जरूरी नहीं है कि सारे ही वेब ब्राउजर्स आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो नाइनटीज के टाइम पे जब वेब ब्राउजर को डिजाइन किया गया था यूज किया गया था तो पहले जो वेब ब्राउजर हुआ करते थे वो आपके टेक्स्ट बेस हुआ करते थे सबसे पहला जो ब्राउजर था वो था मोजेक ओके okay? समझ में आया सो so, इस ब्रा, वेब ब्राउजर का जो काम था वो टेक्स्ट बेस्ड था मतलब कि आपको कमांड लिखना पड़ती थी टेक्स्ट लिखना पड़ती थी कुछ भी सर्च करने के लिए ओके okay? मतलब कुछ भी ऑडियो वीडियो इमेज फॉर्मेट में नहीं था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं था ओके okay? सो so, इसी तरीके से लेनेक्स भी जो पहले हम यूज करते थे वो भी टेक्स बेस्ड था वो तो अब जैसे जैसे उसके वर्जनस को इम्प्रूव किया गया उसमें इन्हांसमेंट किया गया उसमें नए नए फीचर्स एड किए गए तो वो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के फॉर्मेट में आजकल हम इसको ट्रेंड के साथ यूज कर रहे हैं सो जितना पॉपुलर आजकल विंडोज है

यूजर कैन नेविगेट फाइल्स फोल्डर्स एंड वेबसाइट यूजिंग अब लिंक की मदद से हम क्या करते हैं फाइल फोल्डर्स को सर्च कर सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं है ना hyperlinks के में आपको सारी चीजें शो होती है कैसे शो होती है हाइपर के फॉर्मेट में कैसे सपोज आपने यहाँ पर ये यह गूगल का आपका सर्च इंजिन ओपन हुआ यहाँ आपने लिखा कंप्यूटर जब आपने कंप्यूटर लिखा तो आपको क्या दिखती है आपको कुछ लिंक्स शो होती है ना ऐसे ब्लू कलर से कुछ लिंक शो होती है कुछ ऑडियो वीडियो की भी लिंक होती है

उससे रिलेटेड सारी चीजें ढूंढ के आपको शो कर देता है ब्राउजर पे कंप्यूटर पूछा है आपने उससे कंप्यूटर सर्च करा है तो कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन उसको सभी डेटा बेसिस ऑडियोज मिल जाए वीडियो मिल जाए कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो सभी आपको यहाँ पर इस लिंक के फॉर्मेट में मिलेगी तो वेब ब्राउजर सपोर्ट करता है लिंक को यहां पर आप नेविगेट कर सकते हो फाइल्स को फोल्डर्स को वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हो वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हो

कैसे होते हैं कितने टाइप के होते हैं फाइन अब क्या फीचर्स आपको ये प्रोवाइड करते हैं तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वेब ब्राउजर तो बस यही दो पॉइंट्स आपको लिखकर आने हैं क्योंकि अब मैं फीचर्स समझाने जा रही हूँ वो मार्केट में लॉन्च हो रहे गूगल था इंटरनेट एक्सप्लोर like था फिर आप एज को एक्सेस कर रहे हो आजकल जो विंडोज टेन इलेवन के लिए तो ये इनमें नए नए फीचर्स ही एड किए गए जिसकी वजह से ये इतने ज्यादा पॉपुलर होते चले जा रहे हैं ओके सो फीचर्स एंड फैसिलिटीज ऑफर्ड बाई वेब ब्राउजर इंक्लूड डाउनलोड सबसे बेस्ट फीचर हर एक वेब ब्राउजर का आप देखो कि आप कोई भी फाइल फोल्डर को डाउनलोड कर सकते हो बुक लगा सकते हो पासवर्ड मैनेजमेंट इज ऑल्सो दी फीचर ऑफ अ वेब ब्राउजर आप पासवर्ड को भी मैनेज कर सकते हो राइट सो so, ये कुछ फीचर्स हैं वेब ब्राउजर के इसके अलावा यदि हम और फंक्शंस की बात कर लें कि क्या फंक्शंस होते हैं सो इट ऑल्सो ऑफर सम फंक्शन लाइक स्पेल चेकिंग मतलब आप गूगल पे कुछ भी लिख रहे हो फाइन आपने आ, कोई स्पेलिंग लिखी और गलती से यदि वो स्पेलिंग रॉन्ग है तो गूगल का जो सर्च इंजन है वो क्या करेगा आपकी स्पेलिंग को करेक्ट करके सर्चिंग करेगा बिल्कुल जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पेल चेक फीचर नहीं होता है आपके मोबाइल फोन में आप यदि करेक्ट तो वर्ड आ जाते हैं, हैं, हैं। ब्राउजर में भी स्पेल चेक फीचर होता है सर्च इंजिन बार्स होती है ऑब्वियस जैसे हम यहाँ पे सर्च इंजन की बात करें तो याहू है बिंग है गूगल है ये सब क्या है डिफरेंट सर्च इंजिन ओके जिसका यूज करके आप नेट सर्फिंग कर सकते हो

यूज करना होता है उन एक्सेस कीज का पॉप अप ब्लॉकिंग भी हो सकती है मतलब कि ऐसा होता है ना इंटरनेट पे जब आप किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो तो कुछ फर्दर एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं कुछ पॉप अप बॉक्सेस आते हैं साइड में विंडो में तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो उन्हें भी हम ब्लॉक कर सकते हैं सो so, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको वेब ब्राउजर प्रोवाइड करता है और इन्हीं फीचर्स की मदद से ये बहुत ज्यादा पॉपुलर होते चले जा रहे हैं ओके, okay, so कुछ मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर्स के नाम मैंने यहां पे लिखे हुए जो क्वेश्चन आपसे दो मार्क्स में एक मार्क्स में पूछा जाता है कि राइट एनी टू पॉप्युलर वेब ब्राउजर के नाम बताओ ठीक है तो क्या लिख कर आओगे आपके जो दो फेवरेट वेब ब्राउजर है उनके नाम लिखकर आ जाना ठीक है एक मार्क में भी पूछ सकते हैं एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं आपसे ये क्वेश्चन फाइन सो गूगल क्रोम मोजिला फायरफॉक्स एप्पल सफारी माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर एमएसआईई आजकल इसे हम माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से भी जानते हैं ओपेरा इंटरनेट एक्सप्लोरर अब ओल्ड हो चुका है राइट क्यों जस्ट बिकॉज़ क्योंकि विंडोज 95 98 एक्सपी विस्ता uh, जब हमने यूज किया तो वहां पे आप इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज करते थे लेकिन विंडोज टेन इलेवन जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम वो इंटरनेट एक्सप्लोरर को बेसिकली यूज नहीं करते हैं ठीक है ठेके? सपोर्ट नहीं करते तो इसके लिए हम एज का यूज करते हैं बाकी ओपेरा मोजिला फायरफॉक्स गूगल क्रोम ये सभी क्या है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट और पॉपुलर वेब ब्राउजर्स हैं अब वेब ब्राउजर भी आपके माइंड में होप टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वेब ब्राउजर यूज हम सभी करते हैं लेकिन एग्जाम में यदि लिखने को आएगा तो क्या लिख कर आओगे इट इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू व्यू वेबसाइट सर्वर पे जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर है वर्ल्ड वाइड वेब पर जो भी चीजें आपके पास में है ऑडियो वीडियो फाइल में फॉर्मेट में जिस भी फॉर्मेट में आप उन्हें वेब सर्वर सॉफ्टवेयर की मदद से एक्सेस कर सकते हो क्लियर सो नेक्स्ट वीडियो में हम ये वेबसाइट वेब पेजेस क्या होता है जो अभी हम डिस्कस कर रहे वर्ल्ड वाइड वेब पर ये जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है ये किस फॉर्मेट में होती है इसके बारे में डिटेल में समझेंगे यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप यूट्यूब के साथ साथ एक्सेस कर सकते हो हमारी वेबसाइट डब्ल्यू से भी और अब तो मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप और सारी वीडियोस को देख सकते हो बिल्कुल हंड्रेड फ्री किसी भी कॉस्ट को नहीं पे करना है आपको मैग्नेट ब्रिंस ना सिर्फ आपको के ट्वेल्व बल्कि सी यू टी आई टी जेई नीट यूपी बिहार बोर्ड स्पोकन इंग्लिश ऐसे सी यू पी एस सी जैपकेब जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कराता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विथ हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ अब मैग्नेट ग्रेन आपको बुक्स भी प्रोवाइड कर रहा है आप ई e बुक्स की भी फैसिलिटी ले सकते हो आपको गूगल फॉर्म को फिल करना है और जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको बुक्स चाहिए कुछ सैंपल पेपर्स एमसीक्यू से रिलेटेड आपको यदि कुछ बुक्स चाहिए तो आप वो भी एक्सेस कर सकते हो यदि कुछ रिलेटेड न्यूज यदि आपको एक्सेस करनी है तो आप फेसबुक इंस्टा ट्विटर जैसे अकाउंट को भी यूज कर सकते हो फॉलो कर सकते हो साथ ही मैग्नेट ब्रींस आपको हर तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको कोई कूपन नहीं खरीदना है कुछ भी पेमेंट नहीं करना है हंड्रेड परसेंट फ्री आप सारे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सको साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव अच्छा 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 कर सको सो so, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टिल दैन स्टेर स्टेपी थैंक यू सो मच